नमस्कार, रिचा रियल बैजिस में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों की पसंद की नान खटाई बनाने जा रही हूँ। चलिए नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए हमने एक कप देसी घी लिया है, एक कप मैदा, एक चौथाई कप बेसन, एक चौथाई कप सूजी, एक कप चीनी का पाउडर बना लिया है, 10-12 बादाम की कतरन कर ली है, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच हरी इलायची का पाउडर कर लिया है। पहले हम चीनी पाउडर डालेंगे। नान खटाई के लिए चीनी पाउडर डाला, ये हमने अपने घर में मिक्सी से ही पीस लिया है। अब इसमें घी डाल देंगे। घी डाल के खूब अच्छे से फेंट लेंगे इसे, एकदम पूरा घुल जाए अच्छे से। ये अच्छे से फिट गया ये। अब इसमें हम एक चलनी रखेंगे, सूजी डालेंगे, बेसन, बेकिंग पाउडर, इसको छान लेंगे। अब इसमें मैदा डाल देंगे, अब मिला लेंगे सारे अच्छे से। खुशबू के लिए इलायची पाउडर। अब इसको एक डो की तरह लगा लेंगे। इसमें पानी नहीं डाला जाता, इसी से डो बना लिया जाएगा। ये डो हमने लगा लिया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। मिनट हो गए, आटा एकदम सेट हो चुका है। एक हमने प्लेट ली है। नान खटाई को हम कढ़ाई में बनाएंगे। एक प्लेट ले ली है, प्लेट को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अब ये थोड़ा सा डो निकालते जाएंगे, नींबू के बराबर के करके। रोला करेंगे, उसमें थोड़े से बादाम की कतरन लगाते जाएंगे, इस तरह रखते जाएंगे। थोड़ी दूरी दूरी पर लगाएंगे जिससे फूलेगी। इस तरह हम सारी नान खटाई सेट कर लेंगे। ट्रे में बना के रख ली है, एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम एक स्टैंड लगाएंगे। कढ़ाई को हमने पहले 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम अपनी नान खटाई रख देंगे, बंद करके 20 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए मेरी नान खटाई कितनी अच्छी बनी है। इसे हम निकाल लेते हैं गैस बंद करके। अभी थोड़ी ठंडी कर ले, फिर इसको निकालते हैं। नान खटाई ठंडी हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। नान खटाई बनके तैयार है।